नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है, जैसे कि आज हमारे पास एक जातक की कुंडली आई हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। कुंडली का एनालिसिस करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जो लोग भी अपने हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हैंड एनालिसिस फ़ीस मेरी जो है वो 500 रुपये है फ़ीस। ठीक है, फ़ीस आप लोग पेटीएम करा सकते हैं, गूगल पे करा सकते हैं या फिर बैंक में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 9120101561, ये भी आप लोग देख सकते हैं नीचे। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ज्योतिष के प्रति आप लोगों को नई नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है, हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद में जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है, कोई विचार आता है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुंडली देखने की जो फ़ीस है वो मेरी अलग है, हैंड एनालिसिस की फ़ीस मेरी 500 रुपये है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, तो जो लोग भी फ्री सोल्यूशन चाहते हैं वो लोग कॉल ना करें, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जातक की कुंडली एनालिसिस करते हैं। जो लोग भी कुंडली का भी जो है वीडियो चाहते हैं तो उसका चार्जेस अलग से है, आपकी कुंडली का भी एनालिसिस करके वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी कन्या राशि है इस जातक की, और इनका जो प्रश्न है कि मेरी शादी होने वाली है और आफ्टर मैरिज के बाद मेरी शादी में कोई जो है रुकावट तो नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं आएगी, फाइनेंशियली पोजीशन मेरी कैसी रहेगी और जॉब का कैसा क्या रहेगा, तो चलिए इनके मैं देखती हूँ। ठीक है, पहले सबसे तो मैं ये देखना चाहूँगी कि जॉब के लिए, जॉब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं दशम भाव पर, और शनि जो विराजमान है केतु के साथ विराजमान है, यहाँ पर राहु भी है जो कि दशम भाव पर ही दृष्टि डाल रहा है। तो बिज़नेस पर्पज़ से देखा जाए टेक्निकल फील्ड में ये जातक होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो ऐसे जातकों को जो है टेक्निकल फील्ड में जो शनि महाराज ध्यान भी देते हैं, स्टडी भी करवाते हैं और ऐसे जातकों का सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, जॉब में इनके प्रमोशन होते रहेंगे, बुद्धि इनकी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर मैरिज के बाद मैरिज आपकी सक्सेस नहीं रहेगी, मैरिज में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। घर से भी जो है अब्रॉड में सेटलमेंट के भी योग बन रहे हैं जो कि आफ्टर मैरिज के बाद बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है जो कि डायरेक्ट जो है आपके 12वें भाव को भी देख रहा है। ठीक है, तो सैया सुख भी है और जातक के जो है अदर फीमेल पार्टनर से भी जो है जातक के रिलेशन वगैरह भी रहते हैं, जो कि शुक्र यहाँ पर जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है मंगल की राशि में पड़ा हुआ है, जो कि साफ सुथरा नज़र आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जातक को अपने परिवार, अपने पर्सनल जिस फैमिली में अपने परिवार के साथ रह रहा है, माता पिता के साथ रह रहा है, वहाँ पर फैमिली में इसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है जातक को। और राहु की महादशा भी चल रही है, राहु की महादशा में अभी चंद्रमा का अंतरदशा है, तो जातक को बहुत ज्यादा कष्ट भी फील कर रहा होगा, जातक बहुत ज्यादा परेशान भी होगा। ठीक है, जब तक राहु की महादशा इनकी 2004 से लगी थी, 2022 में इनकी खत्म होने वाली राहु की महादशा, राहु की महादशा में जातक का जो है मेंटल डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है जातक, और जातक बहुत ज्यादा परेशान भी है क्योंकि यहाँ पे अंगार कारक योग भी बन रहा है और दूसरा तो चंद्र ग्रहण योग भी बन रहा है। चंद्र ग्रहण योग किस लिए बन रहा है? चंद्र ग्रहण योग इसलिए बन रहा है क्योंकि चंद्रमा जो है राहु के साथ इन्वॉल्व है और यहाँ पर जो है राहु के साथ मंगल भी इन्वॉल्व है। ये तीन प्लैनेट जो कि इन्वॉल्व है, जो कि अच्छी पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पर राहु अगर यहाँ पर बैठा होता तो अच्छे फल देगा। ठीक है, लेकिन घर से इसको जो है इसको सुख नहीं मिलेगा जातक को। घर जातक ने अपना पैसा भी लगाया होगा, अपने फैमिली के लिए पैसा भी जितना लगाता है, अपने कुटुंब के लिए भी जितना खर्च करता है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरों के लिए ऐसे जातक कुछ भी करें, कुछ भी करते रहें, चाहे अपने शत्रु ही क्यों ना, उनके लिए भी चाहे जितना करें, इनको वाह वाह ही नहीं मिलती है। एक होता है कि नहीं, कोई बंदा कुछ भी नहीं करता है तो उसको भी वाह वाह ही मिलती है, अपने इलाके का सेठ होता है। बट ऐसे जातक बहुत ज़्यादा करते तो हैं, दयालु होते हैं, बट ऐसे जातकों को कोई फल नहीं मिलता है, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो मिलती नहीं है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है आफ्टर मैरिज के बाद में, लेकिन खटपट रहेगी, थोड़ा सा अगर तालमेल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैरिज के मैं बता देना चाहूँगी कि मैरिज के आफ्टर 6 मंथ तक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर आप दोनों जो है
हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज के बाद में अगर जो है कमरा रूम अलग अलग कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊँगी, जैसे जैसे आप अगर रेमेडीज़ करेंगे, मैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज़ बताती हूँ। जो मेरी रेमेडीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। जो भी मैं एक एक पॉइंट, एक एक जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स पे पकड़ के प्लैनेट की डिग्री पोजिशन और इनके और भी चार्ट होते हैं, D10 चार्ट होता है, गोचर में क्या प्लैनेट की पोजिशन है, पंचांग में क्या पोजिशन है, सारी मैं देख करके ही तभी मैं सोल्यूशन बताती हूँ और तभी मैं प्रेडिक्शन भी करके बताती हूँ कैसे क्या करना है। जो रेमेडीज़ होगी वो एक्यूरेट रेमेडीज़ होगी, ठीक है। तो इस आज का विषय मेरा इतना ही था। तो चलिए, आशा करती हूँ कि कुंडली में काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज्योतिष के प्रति जागरूक हो सकें, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई माइंड में विचार चल रहा है, तो नीचे कॉमेंट करें, और जो कुछ भी किसी भी टॉपिक पर अगर डिस्कशन करना है नीचे कॉमेंट करिए आप, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है 9120101561, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड एनालिसिस फीस यहाँ पर जो है शो हो रहा है, 500 रुपये फीस है। फीस आप लोग पेटीएम कर सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे। जो लोग भी कुंडली दिखाने के लिए इच्छुक है, तो आपको कुंडली अगर जिनकी नहीं भी बनी हुई है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग, ये डिटेल आपको व्हाट्सअप में सेंड करना पड़ेगा। आपकी कुंडली एनालिसिस करके आपके बारे में बताया जाएगा सब कुछ विस्तार से, ठीक है। अगर वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से, कुंडली का वीडियो चाहते हैं, तो वीडियो के जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे।